कल हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था और वहाँ नेचुरल फाइबर में पॉलीमराइजेशन होता है। उसमें मैंने बताई थी रबर, नेचुरल रबर हम कैसे प्राप्त करते हैं, एक बार 2 मिनट के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। नेचुरल रबर जिस पेड़ से प्राप्त होती है उसको कहते हैं हम लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो मतलब एक तरह से मिल्क होता है और ये रबर का दूध किया जाता है। इसमें जो है एसिडिक एसिड मिला करके इसको स्कंदित कर लिया जाता है। यानी हैवी पार्टिकल्स ऑफ रबर आर सेट ऑन द बॉटम ऑफ द पॉट, ये नीचे बैठ जाते हैं, इनको वाश करके ड्राई कर लिया जाता है और नेचुरल रबर हमें प्राप्त हो जाती है। नेचुरल रबर का ध्यान रखना, नेचुरल रबर में हम अगर एग्जांपल तुमसे पूछे तो रेजिन का नाम ले सकते हो, रेजिन के साथ साथ उसमें और भी नाम बताए थे मैंने, रेजिन भी दे सकते हो। और इसमें मतलब जो है नेचुरल रबर भी है, स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है और रेजिन। ये नेचुरल अगर पूछता है तुमसे रबर का तो उसका इसका ध्यान रखना, इसका आइसोप्रीन। एक बात और बताई थी, इसको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर, तो आइसोप्रीन का ये बहुलक है, आइसोप्रीन का पॉलीमर है। नाउ वी विल स्टार्ट टुडे आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं मैनमेड, क्या होते हैं ये मैनमेड होते हैं, मैनमेड यानी आदमियों के द्वारा फैक्ट्रियों में केमिकल सब्सटेंसेस के सहयोग से बनाए जाते हैं, तो वो मैनमेड फाइबर जितने भी हैं मैनमेड फाइबर आर नॉन एज आर्टिफिशियल फाइबर। अब इस आर्टिफिशियल फाइबर में हम जो है 3 फाइबर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे नायलॉन, नायलॉन, दूसरा पढ़ेंगे हम रेयॉन और तीसरा पढ़ेंगे टेरिलीन। टेरिलीन कह रहे हैं या डेग्रोन भी कहते हैं इसे। तो ये 3 फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर में आते हैं। तो सबसे पहले मैं नायलॉन की बात करूंगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, नायलॉन को नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, नायलॉन 66। तो सीधी सी बात है, इसमें 2 का कंडेंसेशन होता है, एक तो एडिपिक एसिड और एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इन दोनों के कंडेंसेशन से हमें जो है वो हमें क्या प्राप्त होता है, नायलॉन प्राप्त होती है। नायलॉन जो प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं नायलॉन 66। अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन कोई कर दे व्हाट डू यू कॉल द नायलॉन 66 टू नायलॉन, नायलॉन को नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, तो इसका सीधा मतलब है इसमें जो भी केमिकल मिलाए जाते हैं उसमें कार्बन के 6-6 परमाणु होते हैं, यानी 6 परमाणु ऑफ कार्बन इन एडिपिक एसिड एंड 6 एटम ऑफ कार्बन इन हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इनके दोनों के 6-6 एटम होने के कारण इसको नायलॉन 66 कहते हैं। हम नायलॉन का नाम कैसे पड़ा, नायलॉन ही क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है नाय का मतलब न्यूयॉर्क और लॉन का मतलब लंदन। तो ये 2 मार्केट में ज्यादा प्रचलित था और 2 मार्केट में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नायलॉन पड़ गया। अब दूसरा इसका यूजेज अगर पूछता है तो यूजेज सारे के सारे यूजेज से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ अच्छा एक बार और समझ लो, नायलॉन 66 बनाने के लिए 2 रासायनिक पदार्थ एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के संघनन से प्राप्त होता है, यानी कि संघनन का मतलब हो गया कंडेंसेशन, इससे प्राप्त होता है और उसी को हम फाइबर को कहते हैं नायलॉन। अब नायलॉन को नायलॉन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ये 2 केमिकल एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का यूज किया जाता है। एडिपिक एसिड में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी कार्बन के 6 परमाणु एटम होते हैं।
करना गियर और बियरिंग, गियर एंड टू मेक, या इट इज यूज्ड, ये लिख लो, इट इज यूज्ड टू मेक, या इट इज यूज्ड टू मेक गियर एंड बियरिंग मशीनों के गियर, और किसमें उपयोग होता है, मशीन में, मशीनों में मतलब जो है गियर और बियरिंग, ये तुम हर गाड़ी में जानते हो, मशीन जहां होगी जिस गाड़ी में लगी होगी वहां पर दो इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे, गियर और बियरिंग, इनकी सहायता से ही मशीन चलती है, तो इन दोनों का उपयोग यहां पर किया जाता है। नंबर दो, इट इज यूज्ड मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग तुम लिख सकते हो आसानी से, मतलब इसका उपयोग है टायर, रस्सियां और ब्रश बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या चीज, इट इज यूज्ड टायर्स रोप्स बनाने में भी, ब्रश टूथ ब्रश जो आते हैं, ब्रश बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था बोर्ड में भी कि जो माउंटेनर होते हैं पर्वतारोही, वो किस रस्सी का सहारा लेते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस प्रकार की रस्सी का सहारा लेते हैं, यहाँ केवल रोप से रखा है, तो वो रस्सी जो है नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि नायलॉन से बनी हुई रस्सी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो पर्वतारोहियों को चढ़ने में मदद करती है। दूसरा फाइबर आता है, ये भी फाइबर जो है वो मैन मेड ही है, इसलिए इसको टेरिन भी कहते हैं। दूसरा फाइबर है टेरिन, ये टेरेट्रिक एसिड, एक तो इसमें जो रासायनिक पदार्थ लिया जाता है वो टेरेट्रिक एसिड लेते हैं, और एक लेते हैं थायलीन ग्लाइकोल, थायलीन ग्लाइकोल। यहां ये ध्यान रखना, जितने भी ये सारे पदार्थ आपस में मिलेंगे वो सारी की सारी जो क्रिया होगी वो कंडेंसेशन की हुई होगी, यानी कि संघनन, कंडेंसेशन। तो टेरेट्रिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से या कंडेंसेशन से जो प्राप्त फाइबर होता है, धागा होता है, उसे टेरिन का धागा कहते हैं। अब टेरिन के धागे का मतलब हम जो है यूज क्या करेंगे, तो इनके यूजेज भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राइट टू यूजेज ऑफ नायलॉन, राइट टू यूजेज ऑफ रेयॉन, अगर तुम्हारे पॉइंट नहीं बने हो तो जो एक साथ किताबों में चीज दी हुई है कि एक साथ लिख दिया, रस्सी बनाने में, धागे बनाने में, या ब्रश बनाने में, या गियर बनाने में, या मतलब बियरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, नायलॉन का, तो वहां उसके दो पार्ट कर लेना। तो यहां पर भी जो यूजेज लिखोगे किसके लिखने हैं तुम्हें, टेरिन के, तो कपड़े जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं, नावों की पाल, नावों की पाल, पाल नौकाएं जो होती है वो उसमें पाल यानी त्रिपाल लगा होता है, तो इसी टेरिन का बना हुआ होता है। बेल्ट, चुंबकीय टेप,
मैग्नेटिक टेप यानी चुंबकीय टेप, ये कपड़े, नावों की पाल, चुंबकीय टेप और फिल्म जो बनती है, जहां फोटोग्राफी करते हैं वो फिल्म जो बनती है वो इसी टेरिन की ही बनती है। अब ध्यान रखो, क्रॉस यानी कपड़े बनाने में इसको ध्यान रखना, अगर टेफ्लॉन का भी पूछे तो टेरिन का ही लिख करके आना है, वहां पर भी टेरेफ्थलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का जब कंडेंसेशन किया जाता है तो हमें जो मैनमेड हमें फाइबर मिलता है वो टेरिन कहलाता है। अब इसका यूज मैंने एक साथ लिख दिया, अगर तुमसे दो यूज पूछता है, अब इसमें ध्यान रखना मैग्नेटिक टेप बनाने में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक टेप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना टेरिन का ही उपयोग किया जाता है और इसी के द्वारा हम जो है मतलब नावों की पाल का मतलब तुमने नाव की ड्रेस देखी होगी उस पे एक तरफ कपड़ा लगा हुआ होता है तो वो कपड़े से जो है चीखता हवा को चीखता हुआ नाव जो है आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो ये नौकायन या बोटिंग के समय हमें काम में देती है। तीसरा धागा है, तीसरा इसमें मैंने बताया था रेयॉन। रेयॉन किस प्रकार से बनाया जाता है अब इसको देखना है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले हम लेते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो है ग्रीन प्लांट से प्राप्त होती है यानी बल्क जो उसकी होती है छाल वो उसको मतलब हरे ग्रीन प्लांट से हम प्राप्त करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसमें हम क्या मिलाते हैं, ये तो सेलुलोज हो गया, इसको साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। दूसरा इसमें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इन तीनों का एक सेमी सॉलिड मिक्सर तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं विस्कोस। ये विस्कोस जो होता है वो अर्धठोस होता है, सेमी सॉलिड होता है और इसको जो है सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा जैसे सेमी बनाने की मशीन होती है, उस सेमी बनाने की मशीन में मैदा को गूंथ करके डाल दिया जाता है और एक तरफ जो है वो रेशे निकलते हुए चले जाते हैं, यानी उसके सेमी के थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, तो वो जो है वो मतलब यहाँ क्या कहलाएगा, वहां सेमी से तुलना यूं की है, सेमी की मशीन जो होती है वो मतलब इसी की तरह होती है। अब इसको मैं प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा, इतना किताब में तो नहीं दिया हुआ है, या डाइल्यूट H2S को यानी डाइल्यूट H2S को यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंदा काम। अब यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा वो मैं साथ साथ बता दूंगा, यहाँ चेंबर में जो है विस्कोस भर लेते हैं, ये विस्कोस को जो है वो चेंबर में भर लेते हैं और एक तरफ से मशीन के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, उस प्रेशर के यानी दाब के द्वारा धागा जो निकलता है सूक्ष्म छिद्रों से होकर के वो गंधक के अम्ल में से होकर के गुजारा जाता है और वो धागा जो है वो बीम पर चढ़ता जाता है और उससे हमें जो फाइबर या धागा जो प्राप्त होता है वो रेयॉन का धागा कहलाता है। अब एक क्वेश्चन यह ऐसा नहीं जाए कि हमारे कपड़ों पर अगर थोड़ा सा भी अम्ल पड़ जाए तो मतलब वो कपड़ा फट जाएगा, त्वचा जल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो फाइबर को निकालते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 में से होकर के थ्रो पासिंग थ्रू द सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें से होकर के गुजारा जाता है, तो क्यों वो धागा टूटता नहीं है बल्कि मजबूत हो जाता है, वो धागा कैसा हो जाता है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाता है, उसी मजबूती के कारण क्या है बताओ कोई नहीं, तो मैं बता रहा हूं, देखो तुमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, वहां पर क्या होता है फिक्स क्वांटिटी ऑफ बेस रिएक्ट विद फिक्स क्वांटिटी ऑफ HCl रिएक्ट विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, ये तो हो गया छाल,
NaOH। इसके बनाने में हमने NaOH लिया, यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो ये हो गया बेस छार, ये हो गया एसिड अम्ल। जब छार और अम्ल की या अम्ल या छार की क्रिया कराई जाती है तो फॉर्मेशन जो होता है वो साल्ट एंड वाटर, इसका निर्माण होता है। अब इसके निर्माण का साल्ट का मतलब मजबूत होता है, साल्ट बन गया तो धागा भी इसी कारण से मजबूत हो जाता है और वो हमारे कपड़ों को नुकसान उस समय नहीं पहुंचाता है। हाँ, बनने के बाद, धागा बनने के बाद तुमने कपड़ा बनवा लिया और फिर उसकी कोई भी शर्ट वगैरह पैंट वगैरह बनवाई और उस पर एसिड गिर जाए तो वो मतलब वहां से छिद्र हो सकता है। तो वो धागा जब बनता है तो वो टूटता नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया में साल्ट बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन, दोनों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, अम्ल क्षार के इफेक्ट को नष्ट कर देता है और एसिड जो है वो बेस के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसलिए इन दोनों की क्रिया से साल्ट का फॉर्मेशन, साल्ट एंड वाटर, तो वो धागा मजबूती के साथ खिंचता हुआ चला जाता है। अब इसके तुम अगर यूजेस देखो, कारपेट बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, रेयन का ध्यान रखना, मतलब इससे जो है वस्त्र, धागे, दरियां, यूजेज यानी उपयोग, वस्त्र यानी क्रॉप्स, थ्रेड्स यानी धागे और कारपेट जो बनाई जाती है वो इसी का उपयोग किया जाता है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि उस विस्कोस को हम डायरेक्ट H2SO4 के थ्रू पास कराते हैं, गुजारते हैं, लेकिन धागा नहीं टूटता है बल्कि मजबूत और हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसमें मतलब जो मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी वो मतलब ध्यान में रखना, वो ध्यान में रखने उसी के कारण धागा मजबूत हो जाता है। अब आर्टिफिशियल में ही चलते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी तुम्हारे इसी में आती है, ये भी मेनमेड होती है, लेकिन यहां क्या होता है कंडेंसेशन होता है केवल धागे बनाने में, और प्लास्टिक जो बनाएंगे, प्लास्टिक सिंथेटिक भी होती है प्लास्टिक, यहां रिएक्शन जो होगा वो पॉलीमराइजेशन का होगा। प्लास्टिक जितनी भी बनाएंगे वो सारी की सारी किससे बनेगी? जैसे मान लो हम पॉलीथीन बनाते हैं, प्लास्टिक में क्या बनाना चाहते हैं? पॉलीथीन। देखो यहां समझना, पॉली का मतलब मेनी, प्लस एथीन, यानी कि एथीन के बहुत सारे अणु मिलकर के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। यहां पर भी जो होगा वो क्या होगा, जैसे इसको बनाना हो इसका रिएक्शन ध्यान रखना, डबल बॉन्ड CH2 ये निकाल लेना, पॉलीमराइजेशन या एरो लगा करके ऊपर लिख देना पॉलीमराइजेशन। अब यहां पर क्या होता है, एथीन के बहुत सारे अणुओं को बहुलीकरण के द्वारा, मतलब जो प्लास्टिक प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पॉलीथीन कहलाती है। अब यहां पर हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसकी एक लॉन्ग चेन बनती हुई चली जाएगी और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां जाएंगे, ये प्लास्टिक जो कहलाएगी वो पॉलीएथीन कहलाएगी, यानी एथीन के बहुत सारे अणु मिलकर के पॉलीथीन नाम की प्लास्टिक बनती है, और पॉलीथीन नाम की प्लास्टिक बनती है जो वही बहुत से उपयोग में काम आती है। अब इसका यूजेज क्या है? अच्छा एक बार और, हाँ तो देखो पॉलीथीन नाम की प्लास्टिक बनाने के लिए, टू मेक द प्लास्टिक ऑफ पॉलीथीन वी टेक एथीन, ये एसएन3 हाइड्रोकार्बन है क्योंकि डबल
सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब क्या होगा? कि मतलब जो है पॉलीथीन नाम की हमें प्लास्टिक मिल जाती है और इसका यूज जो होता है वो कैरी बैग, टू मेक कैरी बैग, ये ध्यान रखना, सबके आगे लिख देना, इट इज यूज्ड पाइप्स, ट्यूब्स, ये आप क्या लिख दोगे? इट इज यूज्ड कैरी बैग, पाइप्स और ट्यूब्स, ये तीन उपयोग में पॉलीथीन नाम की प्लास्टिक काम आती है। दूसरी है पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली का मतलब समझ जाना बहुत सारे यानी मेनी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो ये विनाइल क्लोराइड एक केमिकल है, इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमर को छोड़ दो शब्द को, अगर तुमसे एक बार बोर्ड में पूछा गया राइट द फुल नेम ऑफ पीवीसी, पीएसी, वो एक्रिलो नाइट्राइल है, वो आपको बताऊंगा पीवीसी, तो पीवीसी का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल को बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन वी गेट द पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकाल के यहाँ पर लिख देना पॉलीमराइजेशन। CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH, ये बन गया तुम्हारा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या हुआ? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए विनाइल क्लोराइड के बॉलीकरण, वही पॉलीमराइजेशन, बॉलीकरण के द्वारा हमें जो प्लास्टिक प्राप्त होती है वो पीवीसी कहलाती है। अब ये ध्यान रखना, इसमें पीवीसी का पूरा नाम फिर बता दे रहा हूं एक बार, इसको तुम्हें ध्यान रखना है, पाइप, ये इसके यूजेज, नंबर एक क्या बनाते हैं इसके? पीवीसी के पाइप, ट्यूब्स, ट्यूब्स भी इसके बनाए जाते हैं किसके? पीवीसी के, बैर ट्यूब, बैर एंड ट्यूब्स, ये मतलब यूजेज किसके हो जाएंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड के हो जाएंगे उपयोग। अगर कोई एक सांचों में ढली जो वस्तुएं आती हैं, यानी कास्ट की जाती हैं सांचों में ढली वस्तुएं, थिंग्स विच इज मेड, विच इज मेड बाय सांचा, यानी सांचों में ढली हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सारी की सारी पॉलीविनाइल क्लोराइड से प्राप्त की जाती हैं। एक तीसरा इसमें है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली
एक्रिलो नाइट्राइल। अब ये भी एक प्रकार की प्लास्टिक है, इसमें मतलब क्या है एक्रिलो नाइट्राइल, इसे ओरलॉन भी कहते हैं। ओरलॉन तुमने देखा होगा कि जितनी भी वस्तुएं बनती हैं पॉली एक्रिलो नाइट्राइल की, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, यानी साइनाइड आ जाएगा इसमें और इसके ये N अणु ले लेंगे और N मॉलिक्यूल्स लेने के पश्चात एक मिनट, ये N मॉलिक्यूल ले लिए इसके, यहां हुई पॉलीमराइजेशन, अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं, पी ए एन का पूरा नाम बताओ, तो ये किससे प्राप्त होती है, इसमें एक साइनेट होता है, इसी को हम कहते हैं ओरलॉन का। अगर हमें फाइबर प्राप्त करना होता है तो हम इसी केमिकल को लेते हैं और इसका पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं, इसको कहते हैं विनाइल साइनाइड और एक्रिलो नाइट्राइल, विनाइल साइनाइड और एक्रिलो या अथवा कह लो एक्रिलो नाइट्राइल। ये अब इसके बहुत सारे अणुओं को संघनन की क्रिया के द्वारा, यानी पॉली मर आई इस क्रिया के द्वारा हम जो है मतलब कौन सी हम फाइबर प्राप्त करते हैं, पॉलीलो एक्रिलो नाइट्राइल, तो ये भी किससे प्राप्त होती है, ये भी मतलब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से प्राप्त होती है, ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH और ये साइनाइड हुक लगा दिया यहां CN, ये जो धागा होगा वो PAN या इसको क्या कहोगे दूसरा नाम इसका क्या है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। और लॉन का भी अगर पूछे कॉम्बिनेशन वो सब्सटेंस, इसमें मतलब जो केमिकल यूज किया जाता है फैक्ट्री में बनाने के, वो PAN यानी पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का उपयोग किया जाता है और ये हमें मतलब फाइबर प्राप्त हो जाता है। तीसरा आता है इसका यूजेस देख लो, स्वेटर, स्वेटर के बाद आ जाएगा पिलो, जो भी बनाए जाते हैं मैट्रेसेस, यानी गद्दे, तकिया, और ये स्वेटर, ये कैश्मीरी लॉन और लॉन, ये ऊन बाजार में जो वूल आती है वो वूलन स्वेटर जो बनाए जाते हैं वो मतलब किसके बनाए जाते हैं, वो PAN के ही बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना इसका। एक आता है पॉलीस्टाइरीन यानी पॉलिएस्टर, पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन जो बनाता है वो विनाइल बेंजीन को स्टाइरीन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बताया था पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन इससे जो हमें प्लास्टिक प्राप्त होती है या फाइबर प्राप्त होते हैं वो पॉलीस्टाइरीन, यानी स्टाइरीन के बहुत सारे अणु मिलकर के हमें क्या बनाते हैं पॉलीस्टाइरीन नाम की प्लास्टिक देते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बेंजीन ग्रुप लग जाएगा C6H5
और इसके n मॉलिक्यूल ले लिया हमने और इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन ये जो प्राप्त होगा CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड जो भी लेफ्ट हैंड पे लगोगे वो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। इससे ये बेंजीन ग्रुप है C6H5 और इससे जो धागा हमें प्राप्त होगा, प्लास्टिक जो प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पॉलीस्टाइरीन। अब इसको पॉलीस्टाइरीन के जो यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये यूजेज नंबर एक, इट इज यूज्ड टू मेक टी कप, यानी चाय के कप प्लेट जो बनाए जाते हैं, कप प्लेट्स वो इसी प्रकार की प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर के बाद पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर यानी जो हमारे घर में फ्रिज होता है
टाइप्स का मतलब क्या हुआ, रबर दो होती है ये जो बनाई जाती है, एक गुना एस गुना ब्यूना एस और एक होती है ब्यूना एन। ये दो प्रकार की हमें सिंथेटिक रबर बनाने के लिए हम जो है दो प्रकार से, ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन, एस का मतलब स्टाइलिन। तो ब्यूना एस जो रबर बनाई जाती है वो मतलब ब्यूना ब्यूटाडाइन और प्लस स्टाइलिन। एक बात का यह ध्यान रखना है, इन दोनों की मिक्सचर से जो रबर बनाई जाएगी ब्यूटाडाइन और स्टाइलिन से, और ये होगी जो रबर जो बनाई जाएगी वो ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइड, एक्रिलोनाइट्राइड एक्रिलोनाइट्राइड। इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा यहां पर बनाई जाती है। अब इसमें जो इन प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सी गैस, CO2 गैस, ये मतलब इसमें काम करती है। और एक होती है 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl one three butadiene। ये तुमने IUPAC में पढ़े थे ना, ये गिनती लगी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल के दो ग्रुप हैं और नंबर दिए हैं से 2,3, ऐसी 1,3 क्या होती है, ब्यूटाडाइन होती है। और ये जो करती है CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट काम करेगा, ये सोडियम उसकी प्रेजेंस में यानी CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक के द्वारा ब्यूटाडाइन हमें रबर प्राप्त होती है, जो हम ब्यूटा एस के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटा एन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके नाम से कब जानेंगे, ब्यूना एस के नाम से, ब्यूना एस के नाम से जब जानेंगे जब हम ब्यूटाडाइन के संग में स्टाइलिन का मिक्सचर लेंगे। इसी प्रकार से ब्यूटाडाइन के संग में अगर हम नाइट्रो एक्रिलोनाइट्राइल लेंगे तो हमें ब्यूना एन रबर प्राप्त होगी। ये भी दोनों कौन सी रबर है, सिंथेटिक रबर है। तो इनके जो यूजुअल, ये ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ CO2, CO2 की उपस्थिति में उत्प्रेरक कौन सा काम करेगा, सोडियम उत्प्रेरक काम करेगा, और ये द्वारा हमें ब्यूटाडाइन रबर प्राप्त होती है, चाहे वो BuS हो चाहे ब्यूटाडाइन N हो। अब इसके यूजुअल होते हैं जो यूजेज ऑफ सिंथेटिक रबर, ये ऑयल टैंक यानी तेल की टंकियां जो होती है वहां पर इसी की लेयर अंदर लगी रहती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल एपरेटस, मेडिकल के ऊपर चिकित्सा विज्ञान में मतलब जो है मेडिकल साइंस में जो भी एपरेटस जो भी इक्विपमेंट काम में आते हैं वो सारे के सारे इसी से बने हुए होते हैं। पेट्रोल के नल, टेप ऑफ पेट्रोल, ये आजकल जूतों के सोल, सोल ऑफ शू यानी ये भी इसी के बनाए जाते हैं। ये मतलब उपयोग इसके, ध्यान रखना जूतों के तले जो बनते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं, इसके यूज से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो वहां क्या होगा, जूतों के सोल किसके बनाए जाते हैं, सिंथेटिक रबर।
सिंथेटिक रबड़ का मतलब चाहे बुना एस का नाम लो तो चाहे बुना एन का, दोनों का उपयोग जो है इनको इस चार प्रकार से किया जाता है। मेडिकल के अपरेटस जितने भी हम डॉक्टर के चिकित्सा के उपकरण होते हैं वो सारे के सारे इसी के बनाए जाते हैं। पेट्रोल का टैंक हम बाजार जाते हैं पेट्रोल डलाने, तो जो मतलब नल होता है उसके अंदर जो है वो इसी के बनाए जाते हैं।